Hello dear students, in this video we will discuss how gases exchange from lungs to tissue and tissue to lungs, right? Now this is the topic, that is exchange of gases in lungs, right? It is also called as external respiration, we have already discussed. In these gases exchange, oxygen passes from alveoli. Alveoli is the last part of the lungs, balloon shaped air sacs, that is called as alveoli, and alveoli directly connected to the blood, right? Now alveoli to pulmonary capillary, and capillary filled with blood, and CO2 comes alveoli from the pulmonary capillary, that is a vents, right? The oxygen will be transferred from the arteries, and carbon dioxide transfer from the vents, because we know artery contain oxygenated blood and vent contain deoxygenated blood, right? Now release of carbon dioxide by blood. Now we will discuss ki how carbon, as we know inside the cell when energy is released, we have already discussed in earlier periods, like earlier video, like in presence of oxygen or in absence of oxygen, energy is released, and with the energy CO2 is also produced, right? So how CO2 released by the blood? Now as we know that there is a partial pressure. Now यहाँ पर हम देखेंगे जनरली पार्शियल मीन्स क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और हमें ये भी पता होता है कि अगर दो चीज़ों के बीच में थोड़ा सा मार्जिन है, सपोज करिए कि एक मेम्ब्रेन है और मेम्ब्रेन के बीच में सपोज करिए अगर ये मैंने मेम्ब्रेन बनाई, राइट, यहाँ पर CO2 का अमाउंट जो है वो क्या है, अप्रोक्सीमेटली समझ लीजिए कि सपोज करिए कि यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 88% है, और इस दिस साइड कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो 90% है, राइट? तो कार्बन डाइऑक्साइड विल मूव फ्रॉम विच डायरेक्शन टू विच डायरेक्शन, इट मीन्स देर इज नो बिगेस्ट डिफरेंस, दिस इज माइनर डिफरेंट पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 2% डिफरेंस, बट दिस इज कॉल्ड एज पार्शियल डिफरेंस, एंड इन दिस केस CO2 विल बी ट्रांसफर फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन. तो ये जो 2% का, 3% का, जो 4% का जो मार्जिन होता है, दैट इज कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर. यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर क्या है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस साइड, राइट, एंड दिस इज कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर. तो यही हमको यही देखना है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो मूवमेंट होता है वो पार्शियल प्रेशर के कारण होता है, और वो भी हम क्या बोलते हैं कि CO2 कहाँ पर फॉर्म हो रही, टिश्यूज के अंदर फॉर्म हो रही. ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कंपेरेटिवली कम होगा एज कम्पेयर टू टिश्यू, देन CO2 ट्रांसफर फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, राइट? सो नाउ रिलीज बाय कार्बन डाइऑक्साइड ड्यू टू पार्शियल प्रेशर, यहाँ पर एक चीज लिखी हुई, पार्शियल प्रेशर ऑफ ब्लड रीचिंग द एल्वोलाई कैपिलरीज इज हायर देन द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ एल्वोलाई एयर. इसका मतलब मैंने क्या बोला कि ब्लड में जो CO2 का अमाउंट होगा वो ज़्यादा होगा, और एल्वोलाई में CO2 का जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, कम होगा. दैट्स वाई CO2 मूव्स फ्रॉम ब्लड टू एल्वोलाई. सेम एज अगर हम कार्बन ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के केस में क्या होगा, एल्वोलाई में ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है और ब्लड में ऑक्सीजन का अमाउंट क्या है, कम है. तो यहाँ पर एक पार्शियल, एक छोटा सा प्रेशर डिफरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर. और ऑक्सीजन के केस में क्या होगा, एल्वोलाई से ऑक्सीजन मूव कर जाएगी ब्लड में, राइट? चलिए नाउ ऑक्सीजन, अब हम इन केस ऑफ ऑक्सीजन अगर हम देखते हैं तो अबाउट 98% जो ऑक्सीजन होती है दैट इज रिवर्सिबिलिटी टू द रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन फाउंड इन रेड ब्लड. अब हमने क्या बोला था कि जनरली जो ब्लड में एक पिगमेंट होता है, रेड कलर का पिगमेंट होता है, जो ब्लड की RBCs पे प्रेजेंट होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज हीमोग्लोबिन. और हीमोग्लोबिन मेन पिगमेंट होता है जो ऑक्सीजन को क्या करता है, ब्लड से, ब्लड में जो प्रेजेंट ऑक्सीजन होती है उसको एल्वोलाई की वॉल से लेके कहाँ पर जाता है, टिश्यू की वॉल तक
कैरी कर सकता है। इसका मतलब है कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या होता है, बहुत इसेंशियल होता है, राइट। और जब हीमोग्लोबिन होता है उसमें एक स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है कि वो ऑक्सीजन से क्या कर सकता है, बाइंड कर सकता है। एक चीज़ और है कि हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन से कब बाइंड करेगा, तो एक डायग्राम में आपको यहाँ बताती हूँ कि दिस इज अ एल्वोलाई, राइट, दिस इज अ ब्लड कैपिलरीज एंड दीज आर द टिश्यू, राइट। हीमोग्लोबिन यहाँ पर जो ये ब्लड है, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन का साइन होता है HB, इसकी स्पेशलिटी होती है कि ये सेचुरेशन कंडीशन में काम करता है। और सेचुरेशन मीन्स क्या होता है, जहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होगा वहाँ पर हीमोग्लोबिन क्या कर सकता है, उससे कंबाइन होगा। और यहाँ पर सपोज करिए एल्वोलाई की वॉल है, एल्वोलाई की वॉल में क्योंकि ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है, एक्सटर्नल एनवायरमेंट से आ रहा है, तो वहाँ पर 100% है कि ऑक्सीजन क्या होगा, मोर अमाउंट में होगा, राइट। अगर मैं टिश्यू की बात करूँ तो टिश्यू में जैसे ही ऑक्सीजन ट्रांसफर होता है वहाँ पर वो कंज्यूम हो जाता है। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो ब्लड की वॉल है वहाँ पर ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा है, और इधर वाली जो वॉल है वहाँ पर ऑक्सीजन का अमाउंट क्या है, कम है, राइट। हीमोग्लोबिन की एक स्पेशलिटी होती है कि ऑक्सीजन से हमेशा वो कब जुड़ेगा, जहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होगा वो वहाँ पर हीमोग्लोबिन से चार ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, कंबाइन हो जाएगी। और जब वो हीमोग्लोबिन ट्रांसफर होगा फ्रॉम दीज वॉल टू दीज वॉल, और जैसे ही दूसरी वॉल की तरफ जाता है वहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि दीज ऑक्सीजन ट्रांसफर टू द टिश्यू। जैसे ही वहाँ पर ऑक्सीजन का अमाउंट कम होता है, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन क्या हो जाती है, डिटेच हो जाती है। डिटेच हुई, इसका मतलब इस वॉल पे ऑक्सीजन उससे अलग हो जाएगी, अलग होने के बाद में दिस विल बी ट्रांसफर टू टिश्यू एंड फर्दर वो क्या करेगी, रेस्पिरेशन प्रोसेस परफॉर्म करेगी, राइट। तो ध्यान रखिएगा कि हीमोग्लोबिन का अमाउंट और मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीजन से कौन सी वाली केस में जुड़ेगा, जहाँ पर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, ज़्यादा होता है, वहाँ ऑक्सीजन से कंबाइन होगा, और जहाँ पर ऑक्सीजन का अमाउंट कम होगा वहां पर वो ऑक्सीजन से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, राइट। नाउ दिस रेड ब्लड सेल कैरीज ऑक्सीजन टू द टिश्यू वेयर ऑक्सीजन डिसोसिएट फ्रॉम द हीमोग्लोबिन। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि वो टिश्यू वाली वॉल की साइड में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को क्या करेगा, डिटेच करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी ऑक्सीजन का अमाउंट क्या है, ब्लड की दूसरी वॉल जो टिश्यू के कॉन्टेक्ट में, वहाँ पर ऑक्सीजन का अमाउंट क्या होता है, कम होता है। नाउ मोर स्पेस एक्चुअली एल्वोलाई PO2 दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हायर इन एल्वोलाई दैट इज, और वो जो प्रेशर होता है वो कितना होता है, दैट इज 100 ml में कितना होता है, देन द ब्लड पार्शियल प्रेशर, सेम वही है कि ब्लड में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होता है, एल्वोलाई में ज़्यादा होता है, दैट्स वाई ऑक्सीजन मूव फ्रॉम एल्वोलाई टू ब्लड, राइट। नाउ सेम सिंस द प्रेशर ग्रेडियंट एग्जिस्ट, अच्छा प्रेशर ग्रेडियंट एग्जिस्ट मीन्स क्या, वो मैंने जस्ट बताया, एल्वोलाई में प्रेशर ज़्यादा होता है ऑक्सीजन का, ब्लड में कम होता है, तो अब प्रेशर ग्रेडियंट हुआ, एक डिफरेंस हो गया प्रेशर का, तो ऑक्सीजन मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। सेम इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ब्लड में ज़्यादा है, एल्वोलाई में कम है, दैट्स वाई कार्बन डाइऑक्साइड मूव फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। और ये ग्रेडियंट जब होता है तभी चीज़ें क्या हो जाती है, अगर दोनों तरफ सेम प्रेशर होगा तो कोई भी चीज़ क्या होगी, एक्सचेंज नहीं होती है, राइट। एट द सेम टाइम एल्वोलाई CO2 का, सेम मैंने वही बताया, और अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ है कि एल्वोलाई में जो CO2 का प्रेशर होता है वो 40 होता है, और ब्लड में जो CO2 का प्रेशर होता है वो 45 होता है, ओनली 5 ml इज डिफरेंस, mmHg इज डिफरेंस, तो दैट इज कॉल्ड एज हाई प्रेशर पार्शियल प्रेशर। और मैंने क्या बोला था, 45 से 40 की तरफ मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है, और वो किसकी तरफ जाएगा, कम प्रेशर की तरफ जाता है, राइट। नाउ डिफ्यूज हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई आपकी बॉडी का वाटर, आपकी बॉडी का जो साइटोप्लाज्म है वो मूव नहीं करा, साइटोप्लाज्म में जो CO2 और O2 है दे आर चेंजिंग, दैट्स वाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। तो जब सॉल्यूट मूव करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर प्लेस और वन कॉन्सेंट्रेशन टू अनादर कॉन्सेंट्रेशन, तो दिस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन, राइट। नाउ आउट ऑफ द कैपिलरी एंड एंटरिंग द एल्वोलाई, सेम वही, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मूव इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, दे डिफ्यूज डाउन देयर ओन प्रेशर ग्रेडियंट, भाई CO2 एल्वोलाई में चला जाएगा, ऑक्सीजन ब्लड में आ जाएगा, राइट। इसका मतलब है कि सबका अलग अलग पार्शियल प्रेशर होगा, तभी वो क्या होंगे, एक दूसरे से क्या होंगे, सेपरेटली वो डिफ्यूज्ड आउट हो जाते हैं, राइट। वेयर एज, अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ है कि पल्मोनरी वेन्स
का जो प्रेशर है ऑक्सीजन का वो कितना होता है, 100 mmHg होता है, वेर एज वेनस में जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर होता है वो कितना होता है, 40 mmHg। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन का प्रेशर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा है क्योंकि एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी में फॉर्म हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन 100 है और ये कितना है, 40 है, किसमें, एल्वोलाई में। अगर हम ब्लड की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर कितना है, 45 है, तो ऑक्सीजन कितना होगा, 98 होगा, बिकॉज क्योंकि वहाँ पर क्या हो रहा है, कंज्यूमर। यहाँ पर ये एग्जांपल दिया हुआ है सेम वही वाला है कि दीज आर एल्वोलाई, दीज आर ब्लड कैपिलरी। अच्छा, ये जो है आपको ब्लू कलर की दिख रही है, दिस इज आर्टरी एंड दिस इज वेन। जो वेन होती है उनमें से ऑक्सीजन क्या हो जाता है, वेन विच इज कंटेन डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये डिफरेंस है कि ये पल्मोनरी आर्टरी जो होती है ये थोड़ा सा रॉन्ग लिखा हुआ है, क्योंकि वेन में कार्बन डाइऑक्साइड होता है और आर्टरीज में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो ये थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, इसको आप देख लीजिएगा कि आर्टरीज में ऑक्सीजन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो किस में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वेन में होता है और आर्टरीज में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। सेम यहाँ पर पार्शियल प्रेशर आपको समझ में आ रहा है कि ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है, 104 इन एल्वोलाई, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, 40 है। सेम अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड में ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होगा, 100, राइट, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना होगा, 45। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंपैरिजन करिए 45 to 40 और ऑक्सीजन का करेंगे तो 104 से 100, तो दिस इज बिकॉज ऑफ पार्शियल प्रेशर, राइट। नाउ सेम यहाँ पर अगर आप बोल रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर जो है वो यहाँ पर बढ़ जाता है और इधर ऑक्सीजन का प्रेशर है, तो ऑक्सीजन मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, वेन से आर्टरीज से कहाँ चली जाएगी, वो टिश्यूज़ में चली जाएगी, और टिश्यूज़ में वहाँ पर क्या होगा, कंपोजिशन होगा, रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन परफॉर्म होगा, CO2 प्रोड्यूस होगी, या CO2 टिश्यू के लेवल में क्या होती है, ज़्यादा होती है, ब्लड में क्या हो रही, क्योंकि दे शुड बी ट्रांसफर टू एल्वोलाई, तो प्रेशर जो है वो क्या होगा, कंटिन्यू बना हुआ है, जिसके कारण CO2 टिश्यू से कहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगी, ब्लड में ट्रांसफर हो जाएगी, राइट। नाउ नेक्स्ट, एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन टिश्यू। अब हमने ये देखा भाई कि टिश्यू में कैसे एक्सचेंज होती है, तो इन द टिश्यू एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर्स बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू सेल। अगर हम बात करते हैं टिश्यू सेल की, तो टिश्यू सेल में भी सेम वही है, मैं बता चुकी हूँ कि टिश्यू में CO2 क्या है, फॉर्म हो रहा है, क्योंकि रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रहा है, इंटरनल रेस्पिरेशन, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। एज़ कम्पेयर टू ब्लड कैपिलरीज की अगर हम बात करें, तो ब्लड कैपिलरीज में कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर होती है टिश्यू से, बट वो तुरंत उसको कहाँ पर ट्रांसफर कर देता है, एल्वोलाई में कर देता है, तो इसका मतलब है कि ब्लड में CO2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, कम हो गया, राइट। तो यही जैसा हमने एल्वोलाई और ब्लड में एक्सचेंज होता है, सेम वे टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा होगा, ब्लड में कम है, तो ऑक्सीजन मूव फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। सेम केस इन केस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ब्लड में ज़्यादा है क्योंकि एल्वोलाई ने ब्लड में सेंड करी, और ब्लड से अब ऑक्सीजन कहाँ पर जा रही है, टिश्यू में जा रही है, तो टिश्यू में ऑक्सीजन का लेवल क्या है, कम है, क्योंकि वहाँ पर कंज्यूम हो जाती है, ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन मूव फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, राइट। नाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, सेम वही है, ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम रेस्पिरेटरी ऑर्गन टू टिश्यू सेल फॉर ऑक्सीडेशन। बाई ऑक्सीडेशन है, हमने देखा था रेस्पिरेशन इज अ टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोसेस, एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यू सेल टू रेस्पिरेटरी ऑर्गन फॉर एलिमिनेशन। सेम वही है, ऑक्सीजन एल्वोलाई से ब्लड में, ब्लड की ऑक्सीजन टिश्यू में, टिश्यू का कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में, ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड एल्वोलाई में, देन एनवायरनमेंट, राइट। तो यहाँ ब्लड इज मीडियम फॉर ट्रांसपोर्ट फॉर ऑक्सीजन एंड CO2, अबाउट 97% ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब अगर मैं आपको बात करूँ कि टोटल जितनी भी एनवायरनमेंट से हम ऑक्सीजन लेते हैं, उसमें टिश्यू तक ऑक्सीजन को मैक्सिमम काम जो 97% 100% में से 97% ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, ब्लड, और ब्लड में भी स्पेसिफिकली कौन सा होता है, हीमोग्लोबिन, जो RBC पे प्रेजेंट होता है, दिस रेड पिगमेंट, राइट। रिमेनिंग 3% 90-100 में से 90, मतलब जितनी हमने इनहेल करी ऑक्सीजन उसमें से 97% ट्रांसपोर्टेड बाय द
blood, right? Now 3% of oxygen is carried in dissolved state through the plasma, और remaining जो 3% होती है वो hemoglobin उसको transport नहीं करता है, blood का एक composition और आपको मालूम है that is the plasma, वो 3% oxygen plasma में dissolve होके वो directly tissue की wall में क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। तो ब्लड में, ब्लड जो है टोटल ब्लड के कंपोजिशन में हमने देखे थे, टेंथ में भी हमने पढ़ा हुआ है कि ब्लड में एक मेन पार्ट होता है प्लाज्मा और एक होता है सेल। तो ब्लड की जो सेल वाला पार्ट है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कितना करता है, 97%, क्यों, क्योंकि हीमोग्लोबिन और 3% जो होती है वो डिजॉल्व फॉर्म में अपने आप घुल के वो प्लाज्मा से क्या हो जाती है, टिश्यू पर ट्रांसफर हो जाती है। सेम अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट की बात करें तो कार्बन ऑक्सीजन कितने वे में ट्रांसपोर्ट हो रही है टिश्यू तक, 2 वे में, विद द हेल्प ऑफ ब्लड एंड विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 3 वेज में ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू में फॉर्म हुआ है वो 3 अलग अलग तरीके से हमारे लंग्स तक पहुंचता है, और वो होता है सबसे पहले हम देखते हैं दैट इज 20-25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसीज। आरबीसीज मीन्स व्हाट, विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। जैसे हीमोग्लोबिन, एक हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कितना 97% करता है, बट कार्बन डाइऑक्साइड को कितने परसेंट करता है, 20-25% ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। नाउ 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड टोटल हम सेल की बात कर रहे हैं और हमने वो 100% मान लिया है, उसमें से 70% जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड बाय कार्बोनेट्स के फॉर्म में क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है। एंड अबाउट 7% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि हमने ऊपर देखा था 3% ऑफ ऑक्सीजन जो होती है वो प्लाज्मा में डिजॉल्व होके होती है, वैसे ही 7% अप्रोक्सीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा में डिजॉल्व होके दैट शुड बी ट्रांसफर टू एल्वोलाई। क्लियर? नाउ टर्न बाय टर्न हम देखते हैं जनरली ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कैसे होती है। तो देखिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन द हीमोग्लोबिन पिगमेंट, अब यहाँ पर एक मैकेनिज्म है कि कैसे होता है, हीमोग्लोबिन जो पिगमेंट होता है मेनली वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम एल्वोलाई ऑफ लंग्स, लंग्स का एल्वोलाई वाला पार्ट से ऑक्सीजन कैन रेडिली डिफ्यूज इन टू द इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट मीन्स होता है दैट इज आरबीसी, राइट, आरबीसी पे चला जाता है और आरबीसी एंड कंबाइन लूजली विद द हीमोग्लोबिन, और क्योंकि आरबीसी पे क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, तो वो ऑक्सीजन एल्वोलाई से जब जाती है तो ब्लड की आरबीसी के हीमोग्लोबिन पे क्या हो जाती है, लूजली अटैच हो जाती है, राइट। नाउ रिवर्सिबल कंपाउंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और वो क्या, जैसे हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ता है तो वो एक कंपाउंड बनता है दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ये एक टाइप का क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, क्योंकि जैसे ही वो ब्लड की दूसरी वॉल जहाँ पर टिश्यू है वहाँ पर जाएगा तो ये हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, डिटेच हो जाएगी, दैट्स वाई इट इज़ अ रिवर्सिबल, क्योंकि एक बार कंपाउंड बनता है और एक बार कंपाउंड जब वापस ब्रेक होता है दैट इज कॉल्ड एज रिवर्सिबल, राइट। ना कंबाइनिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन, जैसे ही हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन कंबाइन होता है वो क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज अ फिजिकल प्रोसेस, देर इज नो चेंज इन वैलेंसी ऑफ आयरन एटम, और वहाँ पर क्योंकि हीमोग्लोबिन में जो एक एलिमेंट होता है और वो जनरली क्या होता है, आयरन, इसीलिए कभी भी ध्यान रखना कि जितने भी एनीमिक पेशेंट होते हैं उनमें आयरन की डिफिशेंसी होती है, और क्यों होती है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन कम होता है, आरबीसी कम होता है, खून की कमी, राइट। तो इसका मतलब है कि हीमोग्लोबिन पे जो मेन मेटल होती है वो कौन सी वाली होती है, आयरन होती है, और ऑक्सीजन किससे कंबाइन होगा, आयरन से कंबाइन होगा इनडायरेक्टली, राइट। व्हेन फुल्ली ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन हैज अबाउट, मैंने आपको बोला था कि हीमोग्लोबिन ब्लड जो है वो कितने परसेंट ऑक्सीजन करता है, 97% ऑक्सीजन क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। हीमोग्लोबिन जो होता है दैट इज अ डार्क रेड इन कलर इनसाइड द टिश्यू, रेड इन कलर होता है, राइट। नाउ वेयर इज ऑक्सीहीमोग्लोबिन जो होता है वो कैसा होता है, ब्राइट रेड इन कलर होता है। तो जब आप अगर दोनों में डिफरेंस देखना चाहते हैं हीमोग्लोबिन के, भाई ऑक्सीजन के साथ में है तो हीमोग्लोबिन कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, और उसके बाद में, तो जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में तो कैसा होगा, हीमोग्लोबिन इज डार्क इन कलर,
जनरली कैसा होता है, डार्क रेड कलर का होता है, बट जब वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो उसमें क्या हो जाती है, एक ब्राइटनेस, ब्राइट रेड कलर का फॉर्म होता है. इनसाइड द टिश्यू एज पार्शियल प्रेशर, हमने बोला था ब्लड में ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा है, टिश्यू में कम है, और वो कम ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, दैट इज कॉल्ड एज पार्शियल प्रेशर, राइट. लेस कम है क्योंकि कंज्यूम हो रही है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन गेट डिसोसिएट इन ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन अलग अलग हो जाते हैं, हीमोग्लोबिन वापस अपने दूसरे ऑक्सीजन को लाने के लिए ट्रांसफर हो जाता है, और वहाँ जो ऑक्सीजन है दैट शुड बी डिफ्यूज फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, राइट. सेम एज पी ओ टू, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज मच लोअर एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ सी ओ टू इज मच हायर इन एक्टिव टिश्यू, क्योंकि टिश्यू में सेल है, सेल में ही तो रेस्पिरेशन प्रोसेस, और जहाँ रेस्पिरेशन हो रहा है वहाँ सी ओ टू फॉर्म हो रही है, राइट. इन अ पैसिव टिश्यू सो मच ऑफ ऑक्सीजन इज रिलीज फ्रॉम द ऑक्सीहीमोग्लोबिन, रिलीज हो गई इन एक्टिव टिश्यू, और एक्टिव टिश्यू में क्या हो जाती है, क्योंकि टिश्यू में ऑलरेडी कम है तो ऑक्सीजन जो वहाँ से डिटेच हुई है दैट शुड बी ट्रांसफर फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन. नाउ हाई टेंशन ऑफ ऑक्सीजन फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ऑक्सीहीमोग्लोबिन कब बनेगा, जहाँ पर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, और ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन जनरली कहाँ पर होता है, एल्बोलाई वाली जो साइड वॉल होती है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन एनवायरमेंट से आ रही है, वहाँ पर ऑक्सीहीमोग्लोबिन फॉर्म होता है. और डिटेच कहाँ पर होगा, जहाँ पर ऑक्सीजन का अमाउंट कम होगा, तो कौन सा वाला, टिश्यू वाली साइड में, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन टिश्यू में फर्दर ट्रांसफर होती है और वहीं पे क्या हो जाती है, कंज्यूम हो जाती है. ये एक ऑक्सीजन ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व बताया हुआ है कि भाई पार्शियल प्रेशर जैसे जैसे बढ़ता है ऑक्सीजन का, वैसे वैसे क्या होगा, ये सेचुरेशन हीमोग्लोबिन, सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सेचुरेशन मीन्स व्हाट, कि हाई कॉन्सेंट्रेशन जहाँ पर होगा ऑक्सीजन वहीं पे हीमोग्लोबिन उससे क्या होगा, अटैच होगा, राइट. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर द अंडरस्टैंडिंग हाउ अवर ब्लड कैरीज एंड रिलीज ऑक्सीजन, स्पेशली इन द ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व रिलेट्स ऑक्सीजन सेचुरेशन. ऑक्सीजन सेचुरेशन मैंने आपको बता दिया है कि जहाँ पर ऑक्सीजन कम होगी वहाँ पर ऑक्सीहीमोग्लोबिन ब्रेक हो जाएगा, और जहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा होगी वहाँ पर ऑक्सीहीमोग्लोबिन फॉर्म हो जाएगा, राइट. तो यहाँ पर अगर हम सेचुरेशन की बात करते हैं तो एक जनरल यहाँ पर डेफिनेशन दिए, दैट इज़ अ हीमोग्लोबिन एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से कब अटैच होगा, या हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कब अपनी एफिनिटी शो करता है. रेडीली हीमोग्लोबिन एक्वायर एंड रिलीज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फ्रॉम इट सराउंडिंग टिश्यू, राइट. ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो, सो टिल नाउ बाय बाय स्टूडेंट्स.